ऐसा दामाद भगवान सबको दे। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे उल्लू की मोस्ट पॉपुलर पालोंग तोड़ सीरीज की वेब सीरीज दामाजी सीजन 2 की पार्ट 1 जो उल्लू एप्स पर स्ट्रीम हो रही है और लोगों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया है। आज मैं दामाजी सीजन 2 की स्टोरी एक्सप्लेनेशन और रिव्यू करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले बात करें स्टारकास्ट की, तो सीरीज की स्टारकास्ट में आपको देखने को मिलेगी रश्मि वर्मा एज ए रंजना, आयुषी जायसवाल एज ए कुमत, समीर एज मोहन। सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया है राजश्री वर्मा यानी रंजना, जिसको पाव में थोड़ी सी मुँह चाहिए। उसकी बेटी आयुषी जायसवाल यानी कुमुद बोलती है, ऊपर जाने की क्या जरूरत थी माँ, देखा ना क्या हो गया। माँ बोलती है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा दर्द है बस। मोहन जो कुमुद की पति है वो बोलती है, कुमुद ठीक कह रही है, आपने तो हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा, अब हम दोनों आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। राजश्री वर्मा कहती है, तुम्हारी और दामाद जी की होते हुए मुझे कुछ हो सकती है क्या, ऐसा दामाद भगवान सबको दे। ये बोलते हुए दोनों की आंखों में बात होती रहती है। रात पे समीर कुमुद से कहती है, ससुमा हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हम भी उनके लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कुमुद समीर को कहती है, माँ ठीक कहती है, ऐसे दामाद भगवान सबको मिले, लेकिन मैं कहती हूँ ऐसे दामाद सबको ना मिले, सिर्फ और सिर्फ हमको ही मिले। कुमुद सो जाने के बाद समीर ससुमा के घर पे जाती है। समीर ससुमा के घर जाके कहती है, माँ आप सोए नहीं अभी तक, हमें लगा दर्द के मारे आपको सोने में तकलीफ हो रही है, इसलिए हमने आपको देखने आया। उसके बाद उस तरह के दो चार रोमांटिक बातें करके दोनों ने घपाघप शुरू कर दिया। अगले ही दिन सुबह जब कुमुद उसकी माँ की नाश्ता दे रही थी, तब समीर आके कहती है, आज हम दुकान पे नहीं जाएंगे, दोनों मिल के माँ की सेवा करेंगे। कुमुद कहती है, नहीं मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे पहले भी तो माँ को सेवा किया था, तो बहुत दिनों से दुकान बंद है, तो तुम जाओ और दुकान खोलो। समीर कहती है, माँ को देखभाल करना, घर का सारे काम वो सब तुम अकेला नहीं संभाल पाओगी। राजश्री वर्मा कहती है, आप मेरे वजह से काम की नुकसान मत कीजिए, कुमुद है ना वो मेरा देखभाल करेंगे। फिर समीर चला जाता है। समीर दुकान पे जब काम कर रहे थे तब कुमुद दुकान पे आती है। समीर कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो, और घर में तो ससुमा अकेले है तो उसका देखभाल कौन करेगा। कुमुद बोलती है, कुछ नहीं होगा, माँ अभी सो रही है, मैं यह एक नाइट लेने आया, मैं सोचा आप दुकान पर होगी तो मैं आपको साथ लेकर शॉपिंग कर लूंगी। समीर बोलती है, ठीक है चलो। उसके बाद दोनों मिलकर शॉपिंग करने जाती है। समीर घर पे आके ससुमा से कहती है, दुकान अब बहुत अच्छे से चल रही है और आज कुमुद और मैं शॉपिंग पे गया था तो मैंने आपके लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया। समीर जब गिफ्ट लेने के लिए घर पे आती है तब उसकी वाइफ कुमुद उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देती है। अगले ही दिन समीर जब उसकी ससुमा को नाइटी देने के लिए जाती है तब समीर देखती है ससुमा थोड़ा गुस्से में है और उसकी नाइटी लेने से इनकार कर रही है। अगले दिन समीर उसके सबके काम कुमुद को दे देती है और समीर घर पे रह जाती है ससुमा की देखभाल करने के लिए। दूसरी तरफ और एक बंदा समीर को ढूंढ रही थी, वो समीर की सब पे भी जाती है लेकिन वहाँ पे वो समीर को नहीं मिल पाती है। उसके बाद वो सीधा समीर के घर पे आ जाती है और समीर के घर पे आके देखती है समीर उसकी ससुमा के साथ घपाघप कर रही है। तो उसके बाद क्या होगा वो तो पार्ट 2 में ही पता चलेगा। तो वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।